अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ स्टेक, उसके साथ हम बनाएंगे मैक्सिकन सॉस और एक हम बनाएंगे वाइट सॉस। सौते वेजिटेबल्स भी हैं इसमें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैं बीफ की मैरिनेशन करती हूँ और आपको बताती हूँ बीफ में क्या जाएगा। जैसे जैसे हम चीज़ें यूज़ करते रहेंगे मैं आपको उनकी क्वांटिटी बताती रहूँगी। तो चले पहले बीफ की मैरिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने बीफ लिया है, स्टेक डाले हैं, 1 टीस्पून लेमन जूस जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी, वाइट विनेगर। सिरका चला गया, हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट चला जाएगा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चॉप गार्लिक जाएगा यहाँ हाफ टी स्पून जितना, और हाफ टी स्पून हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। तो ये हो गई हमारी बीफ की मैरिनेशन। इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखेंगे। अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर देंगे, मसाला अच्छी तरह दोनों साइडों पे लगा के, और इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए बीफ में मैंने मसाला लगा दिया है, इसको साइड में करते हैं। अब हम अपना मैक्सिकन सॉस रेडी करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून हमारा बटर चला गया, 7 ही मैं इसमें 1 टीस्पून जितना चॉप गार्लिक डालूंगी। हल्का सा इसको सौते करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जितनी कैप्सिकम ली है, थोड़ी सी अनियन, 2 टेबल स्पून जितनी अनियन चली जाएगी। हल्का सा इसको सौते करेंगे हम। 3 से 4 टेबल स्पून हमारा चिली गार्लिक सॉस चला जाएगा, चिली गार्लिक केचप, 1 टीस्पून मैं इसमें बारबेक्यू सॉस यूज़ कर रही हूँ, हाफ टी स्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1/3 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून से थोड़ा कम सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा डिपिट का बुफेलो सॉस यूज़ कर रही हूँ, हॉट सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं यूज़ करें, हाफ टी स्पून जितना। बस थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे और हमारा सॉस रेडी है। अभी हम यहाँ वाइट सॉस बना रहे हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें बटर, 1 टीस्पून जितना चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून भर के मैदा। थोड़ा सा इसको पकाएंगे मैदे को, बहुत तेज़ हीट पे नहीं, वरना मैदा जल जाएगा। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी 1/2 कप जितना। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है, तो मिल्क में 1/2 कप और डालूंगी इसके अंदर। इसमें हमारे 1 पिंच मिक्स हर्ब चले जाएंगे, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, लम्स जो है वो ख़त्म करने हैं, बहुत स्लो हीट पे। बस ये गाढ़ा होगा तो मैं इसको उतार लूँगी। तो देखिए सॉस हमारा रेडी है, इतना गाढ़ा मैंने इसे रखा है। इसको भी अब साइड पे कर लेते हैं। अब हम अपने स्टेक रेडी करते हैं। दोबारा से मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है, पहले मैं वेजिटेबल सौते कर रही हूँ, फिर हम अपना इसी पैन में स्टेक बना लेंगे। मैंने 1 बाउल जो है कॉलीफ्लावर लिया था, फूल गोभी, और 1/2 मैंने गाजर ली थी, उसको मैंने गर्म पानी में 7 से 8 मिनट ब्लांच कर लिया है। ये हमारा चला गया। और यहाँ मैं ब्रोकली यूज़ कर रही हूँ, फ्रोज़न ब्रोकली ले रही हूँ मैं। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। चिकन पाउडर चला जाएगा, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको बस तेज़ आंच पे जल्दी से सौते करके निकाल देंगे। चार से 5 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। फिर मैं इसको साइड में रख दूँगी। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद सबसे लास्ट में मैं स्टेक रेडी करूँगी। तो देखिए वेजिटेबल भी हमारी रेडी है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। तो देखिए सब चीज़ें हमारी रेडी हैं, दोनों सॉस भी रेडी हैं, वेजिटेबल भी रेडी हैं। अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के। स्टेक के लिए वही पैन में यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने वेजिटेबल अपनी सौते करी थी। अब हम इसमें अपना मीट जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए बटर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बटर यूज़ किया है। अंडरकट का गोश्त मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक के लिए, यही गोश्त यूज़ होता है मीट, यही वाला। 3 से 4 मिनट एक साइड पे हम इसको कुक करेंगे, फिर टर्न करने के बाद दोबारा 3 से 4 मिनट दूसरे साइड से। तो देखिए अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक जाए। इसी के साइड में जो बटर है, यहाँ हम अपना गार्लिक के क्लोव्स हैं वो भी हम डाल देंगे, साबुत गार्लिक के क्लोव। जो जूस निकलेगा स्टेक का उसी में ये कुक हो जाएंगे। और यहाँ मैंने साबुत मशरूम लिए हैं, थोड़ा सा बटर मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आएगा बटर से। इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये हमारे रेडी हैं, मशरूम और गार्लिक भी हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो गए। स्टेक भी रेडी है। सिल्वर प्लेट मैंने गरम होने रख दी है, तो चले अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो देखिए सिजलिंग प्लेट जो है वो मैंने गरम कर ली है। ये हमारी सिजलिंग प्लेट आ गई। इसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी। ये हमारा बटर चला गया। थोड़ी मैं इसमें अनियन डालूंगी ताकि जो मैं स्टेक वगैरह रखूँ वो जले नहीं। ये हमारा स्टेज चला गया। आपको साउंड की आवाज़ आ रही होगी ज़बरदस्ती। ये हमारे गार्लिक और मशरूम, ये गार्लिक और मशरूम हमारे चले गए। साथ में हमारी वेजिटेबल, ये हमारी वेजिटेबल चली गई साथ में। अब हम इसके ऊपर से अपने सॉस डालेंगे। ये हमारा वाइट सॉस, वाइट सॉस चला गया। और उसके बाद हमारा ये मैक्सिकन सॉस, आखिर में मैं वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ा सा बटर और डालूंगी। तो देखें, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ स्टेक विद मैक्सिकन सॉस और सौते वेजिटेबल। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।